दूसरी प्रॉपर्टी है हमारी टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई अपॉन टू। ये हमें प्रूव करना है, आइए करते हैं इसको प्रूव। वही कंडीशन जैसे पहले में हमने लेट किया, यहां भी हम लेट करेंगे। क्या करेंगे, लेट मान लिया हमने कि टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या है, थीटा। इसके बाद वही कंडीशन, एक्स को आप इधर रखिए, टेन इनवर्स को उधर ले जाओगे तो इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों क्या हुआ, टेन थीटा। फिर वही कंडीशन, टेन थीटा कब रहा होगा, अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करें तो जो टेन थीटा हमारा आया होगा वो कब आया होगा कि कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा। इसका मतलब टेन थीटा कब आया होगा, जब ये कॉट 90 मतलब पाई बाई टू माइनस थीटा रहा होगा। फिर वही काम करना है, कॉट को जब आप इधर लेकर के आओगे तो क्या हो जाएगा कि कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या है, पाई अपॉन टू माइनस का थीटा। फिर थीटा को आप इधर लाओगे तो कॉट इनवर्स एक्स माइनस का थीटा है, इधर आके हो जाएगा प्लस का थीटा और इक्वल में बचा पाई अपॉन टू। तो प्यारे बच्चों कॉट इनवर्स एक्स प्लस थीटा की वैल्यू आप यूजिंग फर्स्ट करके बता सकते हो। फर्स्ट से हमारी थीटा की वैल्यू क्या है, टेन इनवर्स एक्स और इक्वल में क्या चल रहा है, पाई अपॉन टू। इसका मतलब अगर हम फाइनली बात करें तो टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू है पाई अपॉन टू। इस तरीके से हमने इसकी सेकेंड वाली प्रॉपर्टी को भी प्रूव कर लिया। तो प्यारे बच्चों मैं उम्मीद ये करके चल रहा हूं कि पिछली वीडियो में हमने किया और इस वीडियो में जो काम किया दोनों में बिल्कुल सेम मिलता जुलता काम किया, बशर्ते प्रॉपर्टी थोड़ी अलग लगी। प्रॉपर्टी तो आपको याद होनी चाहिए और एनी प्रॉपर्टीज की हेल्प से हमने दूसरी वाली प्रॉपर्टीज को भी प्रूव कर लिया। आइए लास्ट जो हमारा यहां ये सेकेंड होगा और ये थर्ड, ये तीसरी वाली जो प्रॉपर्टी है उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते हैं, प्रूव करते हैं। तो आइए आप इसे अच्छी तरह से नोट करें।